इस एक्सेल सीरीज दोस्तों विल सी दी फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। ये ऑप्शन जैसे कि आपको पता है हमने होम इंसर्ट एंड पेज लेआउट ये ऑप्शन पहले हमने कवर कर रखे हैं। हम शुरू करेंगे फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। सो इंसर्ट फंक्शन में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जस्ट टाइम फंक्शन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं इज इक्वल टू टाइम फंक्शन। जो टाइम फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर वो कैसे यूज़ करना है हमें, उसका टोटल डिटेल लेवल में एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं इसके अंदर, राइट। सो ये जो फॉर्मूला हम लोग जो लिखने वाले हैं, फॉर्मूला कैसे फॉर्म में होगा एक्सेल के अंदर, वो मैं आपको विजुअलाइज करके थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो एग्जैक्टली वो वर्क कैसे होता है एक्सेल के अंदर, राइट। ये कुछ है सेकेंड्स में, जन यू नो कैलकुलेट होकर मिनट्स में आएगा, अंदर मिनट से हमें डेटा आर में मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ दी बेसिक थिंग्स। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, ज़्यादा यू नो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बट वो आगे जैसे मैं एक्सेल के फॉर्म में आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। सो नंबर कैन बी एनी थिंग एज लाइक आई हैव मेंशनड, ठीक है, 0 to 3 to 7 6 7। अब आर में मुझे कैलकुलेशन करना है, मेरी कुछ वैल्यू है ग्रेटर देन 23 से, तो देन वो वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा 24 आर से जो कुछ होगा मेरे पास से, एंड देन आई गेट दी रिजल्ट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इन अ सिमिलर लाइन सम एग्जाम्पल्स आर देयर, यहाँ पे कुछ मेरे पास एग्जाम्पल्स है सिम्स लाइक दैट, ठीक है। कुछ अगर दोस्तों इसमें से समझने में दिक्कत हो आपको तो आप मुझे यू नो कमेंट्स में कर सकते हो, तो मैं आई यू नो गिव यू दी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सो सेम लाइक वाइज यू नो फॉर मिनट्स एज वेल, ठीक है। 59 मिनट्स के अगर ऊपर जा रहा है राइट, तो उसका वो 1 आवर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो सिम्स लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग। सेम लाइक इन द सेकेंड्स एज वेल, फॉर 59 सेकेंड्स ये कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिकली मिनट्स के अंदर, करेक्ट। सो अभी शुरू करते हैं, एक्सेल के अंदर जाते हैं, राइट। वहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर मैं आपको बताऊँगा हाउ टू प्रोसीड फर्दर। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये शीट है मेरे पास, आर मिनट एंड सेकेंड से कुछ ड्रॉस और डंप मैंने कर रखा है। जैसे कि आप यू नो अगर आप फॉर्मूला कुछ डाल रहे हो डायरेक्टली डिफॉल्ट के अंदर, राइट, डिफॉल्ट फॉर्मेट के अंदर, तो आपको डेटा कैसे शो होगा वो यहाँ पे शो होगा आपको, राइट। एंड देन नंबर फॉर्मेट में अगर आप वो पर्टिकुलर कैलकुलेशन आपका होगा नंबर फॉर्मेट में होगा तो आपको वो अलग फॉर्मेट में दिखाएगा। एंड देन दिस इज दी आर मिनट एंड सेकेंड्स का फॉर्मेट, तो डिफरेंट डिफरेंट थ्री फॉर्मेट्स में आपको दिखा दिए। एंड देन एरर हैंडलिंग मेथड कैसे होगा इसका, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं यू नो ये यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन टाइम वाला। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज में जाके मैं क्लिक करके इंसर्ट फंक्शन करूँगा टाइम टाइप करके यहाँ पे, एंड देन इसको मैं पुल करूँगा डबल क्लिक करके, और जो आपके आर्स है आर्स में जो फील्ड आपकी ऐड है वो आपको यहाँ पे नंबर्स जो मेंशन है आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ वन बाय वन, एंड देन जैसे मैं क्लिक करूँ ओके पे तो मुझे कुछ डेटा यहाँ पे शो करेगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अगर आप कुछ भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो राइट फॉर्मूलाज के अंदर, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है उसका पहले से डिफॉल्ट फॉर्मेट में। यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स वैल्यू नीचे ले लेगा। तो ये कुछ मुझे डिफॉल्ट एक्चुअली नंबर फॉर्मेट में है, मैं आपको डिफॉल्ट फॉर्मेट में थोड़ा दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कैसे होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है राइट, तो मैं चेंज करके यहाँ पे इसको टाइम में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये डिफॉल्ट में मुझे कुछ टाइम ये कुछ ऐसे दिखेगा, एंड देन यहाँ पे जो वैल्यू है मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद देन इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इस फॉर्मेट को नंबर्स में, ये कुछ वैल्यू मुझे इस तरह से शो करेगा, करेक्ट। सो मेक श्योर करना कि अगर आपके पास यू नो आप कुछ वैल्यूज को यू नो कैलकुलेट कर रहे हो तो वो टाइम पे आपके पास ऐसा डेटा है तो नो नीड टू वरी, ठीक है। एक बार आपको मैं जस्ट हेड्स ऑफ दे रहा हूँ यहाँ इस चीज़ के बारे में कि एग्जैक्टली हमें डेटा इस प्रकार दिखता है। एंड देन दिस इज दी आर मिनट्स एंड सेकेंड, दिस इज द करेक्ट वे आई वुड सजेस्ट, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ये कैसे निकाला मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे मैं इज इक्वल टू टाइम फंक्शन यूज कर लूंगा। आप इज इक्वल टू क्लिक करके भी कर सकते हो दोस्तों, एंड अगेन एज आई हैव सजेस्टेड यहाँ पे फॉर्मूलाज में जो ऊपर टॉप में है आप वहाँ पे से भी कर सकते हो। मैं टाइम प्रेस करने के बाद यहाँ पे आवर जो है मेरे पास, ठीक है, आप यहाँ से भी जा सकते हो दोस्तों अगेन, ठीक है। यहाँ से मैं आवर पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड देन कॉमा मिनट एंड देन कॉमा सेकेंड्स, एंटर पे क्लिक, ठीक है। वन साइव क्लिक डिड, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एंड देन इसे मैं कंट्रोल डी करके नीचे ड्रैग कर लूँगा।
अगेन यू नो दोस्तों, यहाँ पे कुछ वैल्यू बराबर से शो नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ डेमो। कैलकुलेशन इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे नीचे सम भी निकालना है, राइट, उसका टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये बेटर वे होगा। कॉमा कॉमा एंड देन दिस इज द सेकंड्स। ये करने के बाद ये कुछ आपको इस तरह से शो होगा, राइट। ये नॉर्मल आपकी वैल्यू जो डिफॉल्ट नॉर्मल वैल्यू आपको शो होती है, तो आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा दोस्तों। जैसे कि मैं वहाँ पे फॉर्मेट उसका पहले चेंज किया था, तो आपको उसका रिजल्ट आता नहीं था, बट यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट आपको शो होगा। ये करने के बाद मुझे कंट्रोल वन प्रेस कर सकते हो दोस्तों आप फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, टू फॉर्मेट दैट पर्टिकुलर सेल। और अदरवाइज आप होम में जाके बाद यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे नंबर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे नंबर पे क्लिक करने के बाद आप कस्टम्स में यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद, एंड देन यहाँ पे मैं देता हूँ आवर सेमी कॉलन मिनट्स सेमी कॉलन सेकंड्स, ओके पे क्लिक, एंड देन वंस आई क्लिक इट, ठीक है, मुझे कुछ ये रिजल्ट दे रहा है इस तरह से, राइट, कुछ रिजल्ट आया मेरे पास। अब मुझे इसका दोस्तों ने सम निकालना है, एज इन टोटल कैलकुलेशन कितना है, कितने आवर्स हुए वो। एज यू नो हम लोग सम यूज़ करेंगे, ठीक है, बट अगर आप सम यूज़ करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से शो करेगा, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप यूज़ कर रहे हो दोस्तों तो आपको इसका मेक श्योर करना कि आप इसका फॉर्मेटिंग अच्छे से रखो, राइट। तो मैं आपको शो कर रहा हूँ उसका फॉर्मेटिंग हमें चेंज करना होगा, ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे कि अब मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा मुझे, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको ब्रैकेट डालना होगा, यहाँ पे पी के बाजू में जो ब्रैकेट है वो आपको डालना होगा, एंड देन यहाँ पे मिनट करने के बाद ये कुछ आपको इस प्रकार शो करेगा डेटा, टोटल आपका कैलकुलेशन आ जाएगा सम समरीली, ठीक है, ये आपको कुछ सम शो करेगा एंड दिस इज द करेक्ट वैल्यू बेसिकली, ठीक है। एंड देन दिस इज दी यू नो दोस्तों, जो ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे और नीचे लिख देता हूँ करेक्ट, ठीक है, ये कुछ डेटा मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पहले यू नो ऐड कर रखे थे वो वैल्यूज। तो ये कुछ एरर हैंडलिंग टेक्निक है दोस्तों, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी टाइम आपको ये एरर हैंडलिंग आ जाएंगी कि ये कैसे आपको एरर हैंडल करना है उस प्रकार। तो मैं दिखा देता हूँ, जब आपकी वैल्यू कुछ मिसिंग होगी दोस्तों, ठीक है, या फिर आपने कुछ टेक्स्ट ऐड कर रखा हो, तो आपको ये कुछ एरर सा शो करेगा, ठीक है। एंड देन एनए पे अगर आप अगर आप यहाँ पे कुछ डिजिट में आपका रॉन्ग हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग सा वैल्यू शो करेगा नो, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एरर हैंडलिंग मेथड्स दोस्तों, टू मेक श्योर करना कि हम जो डेटा ऐड कर रहे हैं या फिर कैलकुलेट कर रहे हैं वो करेक्ट फॉर्म में हो, ठीक है। सो दिस इज आई हैड दोस्तों, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक इट, एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।